दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज एक मीटिंग होने जा रही है यहाँ सीपी में, जो कि ताल कटोरा स्टेडियम में 26 नवंबर को एक प्रोग्राम होने जा रहा है। जी हाँ, संविधान के लिए, संविधान बचाओ, एक प्रोग्राम होने जा रहा है 26 नवंबर को ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे। आज उसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने जा रही है। मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलता हूँ। हमारा महासंघ इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि 97 में हमने महारैली की, 98 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ब्रह्मपाल जी जो पीएनटी से हैं वो हमारे बीच बैठे हुए हैं। हमने 97 में देश की राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हमने पालिका बाजार, हमने आपके जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली की जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए। 98 में फिर हमने दूसरी रैली की, 99 में तीसरी रैली की, 2000 में हमने चौथी रैली की और उसका नतीजा ये निकला कि भारत की तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा, संविधान में 3 संशोधन करने पड़े, 81, 82 और 85, तब जा करके हमारे समाज का ये जो आरक्षण है इसको हम बचाने में कामयाब हुए। तो हम लोग आंदोलन के लिए, हमने पूरा जीवन अपना आंदोलन में लगा दिया है और आंदोलन पूरे देश के सम्मुख है। हम ये नहीं करेंगे आंदोलन बंद डिब्बे में किया गया है, ये आंदोलन पूरे देश के सम्मुख है। जब रोहित बोमला की हत्या हुई, उसकी सुसाइड केस हुआ, उसमें हमने यहाँ पर भी विद्यार्थियों का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन हमने किया। जब हमारी एनसीईआरटी किताब के अंदर हमारे बाबा साहब का जो फोटो गलत छप गया, उसके खिलाफ हमने कपिल सिब्बल साहब जो एचआरडी मिनिस्टर थे उनका पुतला जलाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। समाज के जब हमारे जो पलवल में बच्चे जला दिए गए थे, दनकौर में हमारे लोगों को नंगा कर दिया गया था, उन सब के लेकर के हमने एक प्रदर्शन यहाँ पर जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट पे किया। तो हम ये कहना चाहते हैं एक बार, ईसाइयों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का मुद्दा 1996 में जब सामने आया तो हमने इसी जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन करके उसको रुकवाने का काम किया। तो ये महासंघ, इसका इतिहास ये है कि ये कागजों का ही काम नहीं करता है, एक तरफ सेमिनार भी करता है, एक तरफ रिप्रेजेंटेशन भी देता है, ताल कटोरा में अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन भी करता है, साथ साथ जमीन पर अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, सरकार को अपनी शक्ति का आभास कराते रहे हैं, सरकार को अपना लोहा मनवाते रहे हैं। और ये जो 2 अप्रैल को हमारे समाज के लोगों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन दिया है, ये अपने आप में एक नया इतिहास लिख कर चला गया है। और आने वाले समय में अगर संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो महासंघ के सरकारी अधिकारी कर्मचारी केवल नहीं रहेंगे बल्कि देश का आम अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हर व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। और सरकार अगर ऐसी कोई छेड़छाड़ करती है तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या तक आधिकारिक रूप से जो क्षेत्रीय पार्टियां हमारे देश में है, जैसे कि 3 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, वहां के जो बहुजन नेता हैं, क्या उनको भी आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम में, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। देखिए, निमंत्रण के बारे में, बहन मायावती जो हमारे समाज की आइकॉन है उनको भी हमने सबसे पहले इन्वाइट किया था कि बहन जी आप आइए, लेकिन उनकी तरफ से ना चुकी है। प्रधानमंत्री की तरफ से अभी निर्णय आना बाकी है और अपने राहुल गांधी जी की तरफ से निर्णय आना बाकी है। इसके अलावा हमारे समाज के वेलफेयर से जुड़े हुए एसटी आयोग के चेयरमैन, एससी आयोग के चेयरमैन, एससी एसटी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन, सोशल जस्टिस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लोग हमारे समाज के वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, हमने ऐसी सभी शख्सियत को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। अभी मिलिंद गौतम साहब ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये जिम्मेदारी कि इधर जो लोग बैठे हैं जितनी इन पर है, मैं मानता हूं आज उससे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। जिम्मेदारी समझने की बात है, अगर इधर जो हमारे समाज के प्रबुद्ध साथी खड़े हुए हैं, अगर ये लोग भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, समझेंगे, तो ताल कटोरा तो बहुत छोटी बात है, रामलीला मैदान आपको छोटा पड़ जाएगा। और आज समाज की आवश्यकता यही है कि आपको अब बड़े बड़े मैदान छोटे करने पड़ेंगे, ये आवश्यकता है समाज की। अकेले नहीं बात बनने वाली है, अकेले बात बनने वाली नहीं है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही मजबूती के साथ में समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं आए दिन हो रही हैं। तो मैं सोशल मीडिया के सभी प्रबुद्ध साथियों से, सभी अपने सम्मानित चैनलों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये 26 नवंबर का, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम देश के कोने कोने में हो रहे हैं, होने चाहिए, वो हमारे सबके प्रोग्राम है, लेकिन 26 नवंबर का प्रोग्राम
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा प्रोग्राम है, अपने आप में देश का, भारत देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम उस दिन होगा, तो उसमें हम सबको वहां उपस्थित होना है। समाज के सभी साथियों को हमको अपील करनी है और वहां पर एक बार पुनः अपनी मजबूती का और एकजुटता का परिचय देना है। तो मैं केपी चौधरी, महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, आपका भाई, आपसे निवेदन करता हूं, समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के एक एक भाई से, एक एक बहन से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग 26 नवंबर 2018 को जिस तरह 2013 में आपने तालकटोरा में आकर के अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करके एक भारत की सरकार पर दबाव बनाया, जिस तरह से 2017 में दूसरी बार आपने अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करके एक नया इतिहास बनाया, तीसरी बार फिर यह मौका हमारे सम्मुख है और हम उस जिम्मेदारी को आप सबके सहयोग से निभाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और आप सब से हम अपील करेंगे कि आप सब लोग 26 नवंबर 2018 को प्रातः 10 बजे अपने परिवार के साथ, मैं ये कहना चाहता हूं अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अगर वहां पर आप आते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर कोई VIP इस कार्यक्रम में आता है, उसकी गाड़ी को तालकटोरा स्टेडियम में आने में अगर आधा घंटा रास्ता मिलने में लगता है, तो मुझे लगता है ये भी एक संदेश क्रिएट होता है कि VIP को तालकटोरा तक पहुंचने में आधा घंटा लगा, यही एक शक्ति का अपनी बताने का एक रास्ता मिलता है। तो मेरा पुनः अपील है, निवेदन है, आग्रह है आपसे कि आप सब लोग 26 नवंबर 2018 को प्रातः 10 बजे अपने परिवार के साथ तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय समागम का हिस्सा बने, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वहां पर निश्चित रूप से पहुंचें और सरकार को यह आभास कराएं, सरकार को ये चीज बता दें कि भारत के संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। एक बात उन्हें मैं अपने बहुजन मीडिया का, मैं उस बहुजन मीडिया का जिसने 2 अप्रैल को भारत की धरती पर एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया, एक ऐसा आंदोलन भारत की धरती पर खड़ा कर दिया जो एक नया इतिहास बनाकर चला गया, तो मैं 2 अप्रैल के इस आंदोलन के लिए अपने बहुजन समाज के मीडिया को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उसका पूरा श्रेय इस सोशल मीडिया को देता हूं। अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो 2 अप्रैल का सफल कार्यक्रम किसी भी कीमत पर हमारा समाज नहीं कर सकता था, और मैं उसी भरोसे से, उसी विश्वास से कि 2 अप्रैल का कार्यक्रम जिस तरीके सफल हुआ और सोशल मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, 26 नवंबर 2018 को सोशल मीडिया उसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और देश के कोने कोने में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को, संविधान के प्रेमियों को अपनी बात पहुंचाने का काम करेगा, जिससे कि तालकटोरा स्टेडियम के अंदर और बाहर वो समागम हो कि भारत की सरकार इस संविधान को बदलने की बात तो छोड़िए, छूने की कोशिश भी ना कर सके। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, आभार।